वेलकम टू मिशन डीएसपी यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी अभी 27 तारीख को अभी एग्जाम खत्म हुआ है आपका एसएससी चंडीगढ़ का, ठीक है। तो उसके बारे में रीजनिंग की जो वीडियो है मैंने अपलोड पहले कर दिया है, देखिए मिशन डीएसपी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया अभी अभी 27 मिनट पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीजनिंग सेक्शन की आप वीडियो जाके देखिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स और लोगों के कितने मार्क्स हैं, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब बात करते हैं मैथ सेक्शन पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, जो 91 क्वेश्चन है ना उसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 68, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपको क्या दिया हुआ है, हमारे पास 68। बात करें आगे, ये देयर डिफरेंस इज 36, स्क्वेयर्स ऑफ देयर डिफरेंस इज, ठीक है। एक्स माइनस वाई का जो है ना स्क्वेयर जो है ना वो दिया हुआ है हमारे को 36। तो बात कर लेते हैं, इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू तो हमें पता ही है 68 है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। तो इन्होंने यही पूछा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज क्या आएगा 16, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये मैं सारा हटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट 16, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोल रहे हैं एक कमरे में कुल जो है ना कुछ लड़के व लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कियों की जो संख्या का वर्ग है ना, जो लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है, तो हम मान लेंगे एक्स जो है लड़के हैं, वाई क्या है लड़कियां, ठीक है। अब इनका जो स्केयर करेंगे, एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, वाई स्केयर लड़कियां, अगर लड़कियों में 28 और जोड़ देंगे तो लड़कों के बराबर इनकी संख्या आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है इन्होंने होती है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाती है यदि वह यदि वहाँ पर दो और लड़कियाँ होती, तो मतलब x इज इक्वल टू वाई, मतलब लड़कियाँ दो और जोड़ दें तो हमारे पास ये हो जाएगा बराबर। तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, एक दूसरी ये वाली वैल्यू है। तो इसको मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, तो हम कैसे सोल्व कर देंगे इसको, एक्स स्केयर बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे, एक्स स्केयर इक्वल टू वाई प्लस टू सारे का स्केयर कर देंगे। जैसे ही हम स्केयर करेंगे, यहाँ वाई स्केयर प्लस टू का स्केयर प्लस टू वाई आ जाएगा, तो वाई स्केयर की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। जो एक्स की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। तो हमारे पास ये बोल रखा है, जो लड़कियाँ हैं ना वो दो कम है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू हो रहा था, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। तो 6 लड़कियाँ हैं, दो जोड़ते हैं तो देखो लड़के को बराबर आ गई, तो टोटल हमारे पास कितनी होगी 14। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका बी, ठीक है। 92 क्वेश्चन नंबर का आंसर है बी 14। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 93 है, ठीक है, ये वाला जब मैंने आपको मॉक टेस्ट दिए थे और उसमें मैथ के क्वेश्चंस दिए थे और मैथ की जो पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करवाई थी आपको और मैथ की एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें क्या बोल रहा है, राम और मोहन एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए, यदि उनके नंबरों में 60 का अंतर है, तो अंतर कितना है 60 का, और वही प्रतिशत में अगर बता दिया तो 30% बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 30% है ना हमारा वो किसके बराबर है, ठीक है, हमारा हो गया 60 के बराबर हो गया। 1% किसके बराबर हो गया, 30 को डिवाइड कर देंगे 2 के बराबर हो गया, तो हम 100% इसका निकालना था हमें, 100% किसके बराबर हो गया, 100 से गुना कर दी तो 200% के बराबर हो गया कुल नंबर। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। जिसने वो वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर बिल्कुल ये सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर देखिए फ्रेंड्स, जो 94 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि मैं प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिनों में पैदल चलकर पूरी करता हूँ। तो देखिए 24 घंटे होते हैं टोटल, तो 9 घंटे आराम करता है वो, तो 15 घंटे चल रहा है वो रोज का, ठीक है, और 50 चल रहा है 50 दिन, 15 × 75 750 घंटे टोटल हो गए। मतलब टाइम जो है ना हमारे पास हो गया 750। टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब बात करते हैं दूसरी, तो उसकी इससे दुगनी फासला तय करने के लिए कितना समय लगेगा यदि वह जो है ना और पहले से प्रतिदिन दुगना विश्राम करता है। तो टाइम इज इक्वल टू हमने निकालना है कैसे, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी दुगनी हो रही है और स्पीड भी दुगनी हो रही है, 2s हो रही है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेन क्या बच गया, दोबारा से फिर डी अपॉन एस, तो डी अपॉन एस हमारे पास क्या था 750, मतलब टाइम तो उतना ही है। अब बात करें घंटे कितने आराम कर रहा है, 18 घंटे, क्योंकि दुगना आराम कर रहे हैं ना, पहले 9 घंटे आराम कर रहा था, तो अब काम कितना कर रहा है 6 घंटे, 6 घंटे चल रहा है, तो 6 से इसको जब डिवाइड करते हैं हम तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 125, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 125, सी आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का 94 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90 जो 5 है ना हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि 30 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 21 आदमी दिन में अगर 8 घंटे काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपने MDH के मसाले तो खाए ही होंगे। MDH अपॉन में वर्क, ठीक है, W होता है, MDH अपॉन में W, यहाँ पे MDH अपॉन में W2, मतलब ये सारे वन वन होते हैं, M1 D1 H1 M2 D2 H2 अपॉन में W1 अपॉन में W2। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, हमारे को क्या दिया हुआ, 30 मैन, ठीक है, यहाँ पे मैन दिए हुए हैं 30 इंटू में डी, मतलब डेज कितने दिए हुए हैं हमारे पास, डेज हमारे को दिए हुए हैं 18। ऐसे ही हमारे को एच जो घंटे कितने दिए हुए हैं, 7 घंटे काम करते हैं, अपॉन में काम जो है हमारा 1 है, इज इक्वल टू हम रख देंगे। अब सेकंड जो रखना है हमें वो क्या रखना है, 21 जो है हमारे पास मैन है, इंटू में 8 घंटे काम कर रहे हैं और दिन का हमें निकालना है, तो ये D2 निकालना है हमें, अपॉन में हम क्या रख देंगे, वर्क, वर्क 1 है, तो इसको नीचे ले आएंगे, तो D2 की वैल्यू जो हमारी है ना वो क्या आ जाएगी हमारी, 90 अपॉन में 4, ठीक है, 90 अपॉन में 4, इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 अपॉन में 4, 2, ठीक है। ऐसे ही इसको जब बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा 22 सही 1/2 दिन, हमारा आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते, बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें दिया हुआ है रीटा ने अंकित मूल्य पर 20% छूट का पर एक टेलीविजन सेट खरीदा, ठीक है, उसी सेट को 16,800 रुपये में बेचकर उसे 800 रुपये लाभ हुआ। देखिए 800 रुपये लाभ हो रहा है उसको, सेट का अंकित मूल्य क्या था, 800 रुपये लाभ हो रहा है, मतलब 16,800 में से 800 लाभ हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 16,000 पे कितना 20% उसने छूट पर खरीदा, मतलब 80% पे खरीदा उसने, ठीक है, 80% की वैल्यू कितनी है, 16,000। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू, 80 नीचे चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200, ठीक है, 1% की वैल्यू 200 है। ऐसे ही 100% की वैल्यू जब निकालेंगे हम, 100 को गुना करेंगे जब 200 से, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 20,000, ठीक है, 20,000, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, बी आंसर आ जाएगा, 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर, तो 97 नंबर जो क्वेश्चन है, जो ये वाला बता रहा है, शुद्ध दूध से भरे हुए पात्र को 20% पानी बदल दिया गया और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया, ठीक है, 3 बार अलग अलग बार दोहराया गया, तीसरी प्रक्रिया के अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कम हो गई, तो कितने परसेंट कम हो गई, ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो हम जो सोल्यूशन है ना फिर आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो 98 में चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कुछ राशि 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है, तो इनका जो डिफरेंस है 1 साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो लास्ट हमारी वैल्यू होती है ना उसी पे लगता होता है, तो उसी पे लग रहा है, तो 1460 से 1606 अगर करेंगे तो 146 आ रहा है, ठीक है, 146 बड़ा आ रहा है, बढ़कर आ रहा है, तो 146 कितने के पीछे आ रहा है हमारा, 1660 के पीछे, तो गुना में हम 100 करेंगे तो परसेंटेज जैसे ही निकालेंगे हम ये कट जाएगा सारा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10%, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 है आपके सामने, 6 पुरुषों तथा 5 महिलाओं 1 कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, अथवा 3 पुरुष और 4 महिलाएं 10 दिनों में कर सकती हैं, हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, 6 जो हमारे पास मैन है, ठीक है, प्लस 5 वुमेन है, किसी कार्य को 6 दिनों में करती हैं, तो 6 दिन हमने यहाँ पे मान लिया, इज इक्वल टू क्या है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, मतलब 3 हमारे पास मैन प्लस हमारे पास 4 वुमेन, किसी काम को कितने में करते हैं, 10 दिनों में, हम यहाँ पे एक चीज इक्वल कर लेंगे, या तो मैन या वुमेन, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैन इक्वल कर लिए, 1 मैन यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास, 1 जो मैन है ना उसकी जो आ जाएगी हमारे पास 10/6 वुमेन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से वैल्यू, और अब जो हमने निकालना है यह कार्य 9 पुरुषों तथा 5 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे, 9 पुरुष हैं मतलब 9 मैन है और 5 महिलाएं मतलब 5 वुमेन है, तो यहाँ से हम मैन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, मैन की वैल्यू क्या है, 10/6 वुमेन, तो यहाँ से जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 30 वुमेन आ जाएगा, ठीक है, 30 वुमेन आ जाएगा। ऐसे ही जो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 6 मैन और 5 वुमेन, 6 मैन और 5 वुमेन, यहाँ पे मैन की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा जो ना 15
यहाँ से हमारे पास 15 वुमेन जो है ना वो 6 दिनों में इस कार्य को पूरा करती हैं। तो हमारे पास अब 30 वुमेन है, मतलब वुमेन हमने डबल कर दी, तो 30 वुमेन। यही ऐसा ही क्वेश्चन मैंने जब मैथ का आपको दो पार्ट प्रोवाइड करवाए थे जो SS चंडीगढ़ के रिगार्डिंग, तो उसमें बताया था ऐसे। तो ये अगर दुगनी कर देते हैं हम, वुमेन दुगनी कर दी, तो जो टाइम होगा ना, समय होगा, वो आधा हो जाएगा, क्योंकि दुगनी कर रहे हैं, 3 गुना करते तो वो तीसरा हिस्सा हो जाता, तो इसका दूसरा हिस्सा हो जाएगा, तो हमारे पास 3 डेज आंसर आ जाएगा इसका, 3 डेज। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम 99 की, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी है, 3 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 के देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 100 है ना, उसमें क्या बोल रहा है, एक पूर्ण रूप से भरे टैंक को रसाव जो है ना 10 घंटे में, मतलब 10 घंटे में खाली करता है। यदि टैंक भरा हुआ है और उसमें एक नल खुला है, तो जिसके कारण 1 मिनट में जो टैंक है ना, टैंक में 4 लीटर पानी भरता है, तो रिसाव से टैंक 15 घंटे में खाली होता है, तो टैंक कितने लीटर पानी आता है, तो टोटल टैंक में पानी बताना है। मान लिया हमने एक्स लीटर मान लिया पानी टैंक में है पड़ा, तो 10 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 घंटे में एक्स अपॉन में 10 पर आवर, ठीक है, पर आवर खाली करेगा आपका। और बात करें अगर उसकी टोटल टोटल की, तो टोटल 1 घंटे में अगर भर रहा है जितना, वो कितना भर रहा है, 4 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, तो 4 गुना 60, मतलब 60 मिनट होते हैं ना 1 घंटे में, तो कितना आ गया हमारा 240, तो 240 लीटर हो गया टोटल। और बात करें अगर x की, अब हम x निकालेंगे, तो टोटल, तो x कैसे निकालेंगे, 15 घंटे में वो जो है ना वो खाली होता है, तो 15 गुना x अपॉन में 10 माइनस 240, ठीक है। तो हमारे पास x की जो जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 7200, ठीक है। x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 72, तो हम आंसर में देखेंगे, तो इसका जो डी आंसर लग रहा है ना, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7200, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, अगर कुछ किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और फेसबुक पेज भी नीचे दिया हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है वो ज्वाइन करके आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 101 है, अजय चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए 11 बजे कार पे चलता है, तो आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो जो दिल्ली आए होंगे चंडीगढ़ से, ठीक है। उसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की, और 2 घंटे में आधा रास्ता है तय कर लिया, तो देखिए 11 बजे चला, ठीक है, 2 घंटे बीच में लगे और 1 बज गई, ठीक है, 1 बजे तक उसने 120 किलोमीटर दूरी तय की होगी, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, 120, तो आधा रास्ता ही है, आधा रास्ता अब कितना रह गया हमारे पास, 120 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस रहेगी 120 किलोमीटर। अब बात करें आगे, 4 बजे पहुंचना है उसने, ठीक है, 4 बजे पहुंचना है, तो एक तो बज ही चुका है, तो 3 घंटे बाकी हैं, 3 घंटे में वो कितना करेगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 से जब 120 काटेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब स्पीड आ गई। हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 102 है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, एक जो है ना रेलगाड़ी 800 मीटर ठीक है तथा 400 मीटर लंबाई वाले 2 पुलों क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। तो हम s स्पीड को मान लेंगे, d डिस्टेंस है, t हमारे पास टाइम है, तो हम क्या करेंगे, 800 मीटर है और 400 मीटर है, 100 सेकंड में पार कर रही है, तो पहली हमारी जो स्पीड आ जाएगी s इज इक्वल टू, x हम मान लेंगे ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, x प्लस 800 अपॉन में कितना, 100 सेकंड में पार कर रही है। ऐसे ही s2 मतलब स्पीड जो दूसरी है, s1 मानी थी पहले वाली, x प्लस 400, ठीक है, 400 मान ली हमने, अपॉन में क्या है हमारे पास 60 सेकंड में, तो s1 और s2 जो हमारे पास है वो स्पीड है, स्पीड इन्होंने दे नहीं रखी, तो अलग अलग तो नहीं है, तो इसे हम सेम मानेंगे, ठीक है, ये भी S1 है तो ये भी S1 मान लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों इक्वेशनों से हमारी X की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो आ जाएगी 200 मीटर, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, सी 200 मीटर। 102 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी 200 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बोल रहा है, एक पुरुष 5 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब जो अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम जो है 28 किलोमीटर
5 घंटे में ईच टाइम, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर करंट इन किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। 28/5 जो है हमारे पास डाउन स्ट्रीम आ गई, ऐसे ही जब माइनस करेंगे अपस्ट्रीम 12/5 हमारे पास अपस्ट्रीम आ जाएगी, ठीक है, ये बीच में माइनस का निशान है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और नीचे हम 2 करते होते हैं ये निकालने के लिए। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे ऊपर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 16/5, ठीक है, नीचे और 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से जैसे ही काटेंगे तो 8/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3/5, ठीक है, 5 × 5 और 3 × 8, 8/5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा डी। 103 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, जब घड़ियां सुई की 5 बजा रही होती हैं तो उनके बीच कौन सा कौन होगा, ठीक है, 5 o'clock जब होगा आपका, तो हमारे पास जो घड़ी होती है ना तो वो ऐसे होती है, 3 बजती है तो 90 डिग्री का कौन होता है, ऐसे ये 6 बजती है हमारे पास, ये हमारे पास 4 बजेगी, ये हमारे पास 5 बजेगी, तो 5 की बात की गई है। तो इसमें जब भी हम 1 घंटे का जब अंतर होता है ना तो ये 30 डिग्री का कौन बनता है, ऐसे ही आगे भी 30 डिग्री का कौन बनेगा, 30 और 30 क्या हो गया, 60 हो गया हमारा, 90 डिग्री का हम पहले बना चुके थे, 90, 30 और 30 हमारे पास 150 का कौन बन जाएगा, हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, ए 150। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 105 है ना, आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, एक जो है ना, एक 600 मीटर की दौड़ में, ठीक है, 600 मीटर की दौड़ है, जो ए व बी को 60 मीटर से हरा देता है, और 500 मीटर की रेस में बी सी को 50 मीटर से हरा देता है। तो बात करें, ए जो दौड़ रहा है हमारा 600 अगर दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसके कंपेरिजन में बी हमारा कितना दौड़ रहा है, 540 दौड़ रहा है, क्योंकि 60 से वो हरा रहा है। बात करें नेक्स्ट की, तो अगर जो ए है ना वो 400 दौड़ेगा, क्योंकि 400 में निकालना है हमें, लास्ट में क्या दिखा, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने में हराएगा, ए अगर 400 दौड़ रहा है, ठीक है, तो उस समय बी जो है हमारा वो कितना दौड़ेगा, बी हमारा कितना दौड़ेगा, 540/600 इंटू में 400, ठीक है, ये इसका निकालने का तरीका है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, बी अगर 500 दौड़ रहा है तो जो है ना वो कितने से है, 50 मीटर से हरा देता है सी को, तो बी अगर 500 दौड़ रहा है हमारे पास तो सी कितना दौड़ रहा है हमारे पास, 450, ठीक है, यही हो गया ना, 50 से हरा रहा है तो 450 हो गया। बी अगर 360 दौड़ेगा, क्योंकि हमने पहले क्या निकाला, ये वाला बी निकाल रखा है ना, 360, बी अगर 360 जोड़ेगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, बी हमारा अगर 360 दौड़ रहा है तो, ठीक है, इस टाइप से हम निकाल लेंगे, तो सी कितना दौड़ेगा, तो सी कितना दौड़ेगा हमारे पास, 450/500, उस जो पहले मैंने करवाया उसको कॉपी पे लिख लीजिए, बाद में ये लिखिए, क्योंकि फिर ऐसे समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी, गुना 360, तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, 324, ठीक है, 324 निकल के आ गया, ये हमारी सी की दौड़ है, 324 दौड़ रहा है सी हमारे पास, ठीक है, 324 है ना, ठीक है, 324 निकल के आ गया यहाँ से, 324। बात करें ए की, तो ए हमारे पास कितना था, 400 दौड़ रहा था, तो ये कितने से हरा रहा है, 400 में से 324 माइनस करेंगे तो 76 आंसर आएगा, तो इसका हमारे पास आंसर जो हो जाता है 105 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाता है हमारे पास सी, 76। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल ही गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में बताएं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.